आज हम बनाएंगे मखाना लड्डू, जिसके लिए 250 ग्राम मखाने लिए हैं, 400 ग्राम ब्राउन शुगर, 500 ग्राम मावा, 150 ग्राम गोंद, 250 ग्राम छुआरे, 250 ग्राम घी, 125 ग्राम काजू, 125 ग्राम किशमिश, 125 ग्राम चारमगज और थोड़ा सा इलायची पाउडर, छोटे इलायची पाउडर। अब हम मखानों को भून लेते हैं घी में। लिया इसमें मखाने भून लेंगे। इनको हम क्रंची होने तक भून लेंगे जिससे ये अच्छे से फूट जाए। ये मखाने भून चुके हैं, अब हम इसमें गोंद भूनेंगे। अभी हम गोंद भून लेंगे। हम मखाने और गोंद वगैरह को सभी मेवों को पीस लेंगे। अब इनको पीस लेंगे। सभी चीजें हमने पीस ली हैं, अब मावा भूनेंगे और अब इसको भून लेंगे। अब भून चुका है, अब हम सभी चीजें जो पीस ली हैं वो ऐड करेंगे इसमें। अब इनको पहले हम मिक्स कर लेंगे सभी को। ये ड्राई फ्रूट और मावा जो है मिक्स कर लिया। अब इसमें ब्राउन शुगर डालेंगे और थोड़ा चलाएंगे। ये हमारा लड्डू का अमेजा तैयार है। हमने इसके बाद ब्राउन शुगर डालने के बाद 200 ग्राम इसमें हमने शहद डाला है, शहद डाला है हमने 200 ग्राम। अब ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। अब ये गर्म है इसलिए हम इसको बांध नहीं सकते। अभी थोड़ी देर के बाद हम इसको लड्डू बनाएंगे। ये इस तरह से अपने साइज के अकॉर्डिंग हम ये लड्डू बना लेंगे। अभी हम इनको लड्डुओं को बांधते हैं, इलायची ऐड कर देते हैं और फिर इसके लड्डू बांधने शुरू करते हैं। अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसमें इलायची मिक्स करके हम इसके लड्डू बनाने शुरू करते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छे भी लगेंगे और बहुत ही इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले हैं। ये भी देखा, ये हमारे मखाना लड्डू बनके तैयार हैं। ये सर्दी के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं और बच्चे भी इनको खुशी से खाते हैं, क्योंकि वैसे बच्चे तो वैसे तो नहीं खा पाते सब चीज़ें। इस लड्डू बनाने के साथ ये सभी चीज़ें उनको मिल जाती हैं और ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।